हेलो राकेश, नीति को किडनैप कर लिया है। किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक हमसे मांग लेना, पर ही नो छड़के। प्रॉमिस करो आप मेरी परी को हमेशा खुश रखोगे, कभी इसे किसी चीज की कमी नहीं होने दोगे। आई प्रॉमिस। हेलो राकेश, नीति को किडनैप कर लिया है। परी और राजीव के बीच में से नीति जाएगी दूर, ताईजी का प्लान होगा कामयाब। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि नीति को घर लेकर आ जाती है परी, क्योंकि उसके याददाश्त खो चुकी है। घर वाले उसका ध्यान तो रख रहे हैं, लेकिन जो ताईजी हैं उन्हें ये डाउट है कि भाई नीति जरूर कुछ चक्कर चला रही है, किसी मकसद से उसने अपनी याददाश्त खोने का ड्रामा किया है। किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक हमसे मांग लेना, परी नो छड़के। प्रॉमिस करो आप मेरी परी को हमेशा खुश रखोगे, कभी इसे किसी चीज की कमी नहीं होने दोगे। I promise. इन सब के चलते ताई जी ज्यादा जानकारी पाने के लिए डॉक्टर्स तक के पास जाती हैं, डॉक्टर से कुछ खास सबूत मिलता नहीं है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि नीति की मॉम आ चुकी है। जी हाँ, नीति की मॉम जब आती हैं तो घर वाले कहते हैं अरे याददाश्त तुम्हारी बेटी की खोई है, ख्याल हम रख रहे हैं। तो यहाँ पर नीति की मॉम को बड़ा झटका लगता है, मेरी बेटी की याददाश्त खो गई। वो और भी ज्यादा जो है उसे लेके इनसिक्योर हो जाती है, जिसके बाद ये डिसाइड होता है कि नीति को अब उसके घर जाना पड़ेगा। नीति की मॉम उसकी रक्षा कर लेगी, उसकी सेवा कर लेगी। आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि किस तरीके से शो की कहानी आगे बढ़ेगी, यानी कि परी और राजीव के बीच में आने के लिए क्या नीति ने ये याददाश्त खोने का ड्रामा किया था। क्योंकि अगर नीति चुपचाप घर जा रही है तो यानी कि ये सब नहीं हुआ था, लेकिन अगर नीति वापस आ गई तो इसका मतलब यही है कि परी और राजीव के बीच में एक बार फिर से कलेश करेगी यहाँ पर नीति। और ताई जी को वैसे ही संदेह है, ताई जी को पहले से शक है, जिस वजह से ताई जी भी चाहती है कि नीति दूर ही रहे परी और राजीव से। ताई जी बोलती है पुत्र तो कुछ भी मांग लियो, लेकिन परी को मत मांगियो। आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।